सो व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल जीनियस क्लासेस एंड मैं विपुल शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं। आज की शानदार क्लास के अंदर बिजनेस स्टैट्स के अंदर आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल की बात करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की मैंने आपको डिस्क्रीट सीरीज से बताया था मैंने आपको क्वेश्चन करना। आज मैं आपको कंटिन्यूअस सीरीज से एंड स्टेप डेविएशन मेथड बताने वाला हूँ। शुरू करते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास में आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ये आज का क्वेश्चन कंटिन्यूअस सीरीज से है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड को ही शॉर्टकट मेथड बोलते हैं, पता होना चाहिए आपको शॉर्टकट मेथड। ठीक है, सबसे पहले चीज तो इस क्वेश्चन को आप सही करेंगे। आपको दिया हुआ है मार्क्स मोर देन में और नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है, तो यहाँ पे आप एक तो क्लास इंटरवल बनाएंगे और दूसरी चीज आप एफ प्रिपेयर करेंगे दोबारा से। कभी भी अगर मोर देन लेस देन का क्वेश्चन दिया हो तो आपको पता है कि एफ और क्लास दोबारा से प्रिपेयर होती है। लिखेंगे यहाँ पे क्लास इंटरवल और यहाँ पे लिखेंगे आप एफ। तो मोर देन में है, मोर देन का मतलब होता है बेटा ज़्यादा, कितना ज़्यादा, जितने का सब में डिफरेंस आ रहा हो। तो यहाँ पे सब में 10-10 का डिफरेंस है तो उसका मतलब 10 ज़्यादा है, तो लिखेंगे यहाँ पे 70 से 80 हो जाएगा, ये 60 से 70 हो जाएगा, ये 50 से 60 हो जाएगा, ये 40 से 50 हो जाएगा, ये 30 से 40 हो जाएगा और ये 20 से 30 हो जाएगा। आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी लगा कर सकते हैं बट मैंने डिसेंडिंग में ही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 7 जो गातू रहेगा, 18 माइनस 7 11, 40 माइनस 18 22, 40 माइनस 40 0, 63 माइनस 40 23, 65 माइनस 63 2। अगर ऑरली ध्यान रखना है तो एक बात का ध्यान रखना, जिधर सबसे कम नंबर होगा वहां से आपको स्टार्टिंग करनी है, वो नंबर जुगा दू और वहां से आपको स्टार्टिंग करनी है कि इसमें से आपको माइनस करना है। ठीक है, जैसे 7 सबसे छोटा है तो 7 जुगा दू, फिर इसमें से माइनस किया, इसमें से, इसमें से। अगर नीचे से होता, नीचे सबसे छोटा होता है ना, तो फिर नीचे वाला जुगा दू, फिर उसमें से ऐसा करना होगा। ठीक है, अब एफ बना लिया आपने, एफ के बाद बनेगा आपका एक्स बनेगा, देन डी बनेगा, देन एफ डी बनेगा, फिर उसके बाद एफ डी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, प्रॉपर लाइन सी होती है इसकी, चलिएगा। अब यहाँ पे एक्स प्रिपेयर कर लें आप लोग, एक्स क्या होता है क्लास इंटरवल दोनों को प्लस करना, उसको हाफ कर देना, 80 और 70, 70 प्लस कर देंगे तो 150 का हाफ कितना होगा 75, इन दोनों का टोटल उसका हाफ करेंगे तो आएगा 65, फिर आएगा 55, फिर आएगा 45, फिर आएगा 35, फिर 25। ठीक है, डी निकालेंगे आप, एक्स माइनस ए करके डी निकाल दीजिए, ए फॉर एज्यूमिंग मीन, एज्यूमिंग मीन आप लेट कर लें, ये कर लें आप एज्यूमिंग मीन। ठीक है, इन दोनों में से एक हो सकता है तो 55 ही कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो करेंगे आप 75 माइनस 55 20, 65 माइनस 55 10, 55 माइनस 55 0, इसमें से माइनस करेंगे माइनस के 10, माइनस के 20, माइनस के 30, फिर निकालेंगे आप एफ डी, एफ ये रहा, डी ये रहा, 7 टू जा 14, 11 वन जा 11, 22 की 0 से करेंगे 0 आएगा, 0 की माइनस के 10 से करेंगे 0 आएगा, 23 की माइनस के 20 से करेंगे तो आएगा माइनस के 4 60, 32 जा 60 माइनस के, एफ डी स्क्वायर बनाएंगे, एफ डी की डी से मल्टीप्लाई, 14 टू जा 28 डबल ज़ीरो आ गया, 11 वन जा 11 डबल ज़ीरो आ गई, 0 की 0 से 0 आएगा, 0 की 10 से 0 आएगा, 4 6 टू जा
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 46 टू 92 होते हैं, 6 थ्री 18, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। कर देना आपको यहाँ पे सिग्मा एफ डी स्क्वायर, यहाँ बनाओ कॉलम, इसके तो कॉलम ही याद हो जाएंगे आपको। सिग्मा एफ डी यहाँ बनाइए, सिग्मा एफ यहाँ बनाइए, इस चीज़ों की नीड होती है। प्लस करेंगे सबको तो आएगा 65, ये तो एफ डी, ये माइनस माइनस वाले तो हो गए 520, और ये हुए आपके 250, तो 250 ये हुए आपके और 520 ही हुए, तो माइनस के आएंगे कितने, 520 में से 250 घटाएंगे तो कितना आएगा, 270, राइट। और ऐसे ही ये प्लस कर दो, 28, 29 और 10, 39, 3900 तो ये हो गए, 4000, 4100, 41 और 8 हो गए 49, और 10 हो गए 59, 5900 और 9000, 14900, ठीक है। आप फॉर्मूला पुट करिए, आप एच डी, एच डी इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी, कैलकुलेटर अपने हाथ में रख लीजिए, अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। सिग्मा एफ डी स्क्वायर 14900, सिग्मा एफ 65, माइनस सिग्मा एफ डी माइनस के 270, सिग्मा एफ 65, ठीक है। कैलकुलेटर अपने हाथ में रखिएगा आप लोग, 14900 है बेटा, इसको आप डिवाइड करेंगे किससे, 65 से, तो कितना आएगा करिएगा, 229.23 माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर करेंगे, तो 270 को डिवाइड करेंगे 65 से, 270 डिवाइडेशन 65 आएगा 4.15 का स्क्वायर कर देंगे, 229.23 माइनस करेंगे 4.15 इंटू 4.15, देखो कैलकुलेटर की नीड तो पड़ेगी आपको, 17.22 माइनस कर देंगे आप 229 में से, 17.22 229.23 माइनस करेंगे 17.22, 212.01, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे आप, तो आएगा 14.56, ये आपका एच डी निकल गया है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कोफिशिएंट भी कहता है, तो कोफिशिएंट के लिए आपको पता है क्या करना होता है, कोफिशिएंट के लिए फॉर्मूला लगाइएगा, कोफिशिएंट ऑफ एच डी, एच डी अपॉन मीन फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे लेकिन मीन निकालना पड़ेगा आपको पहले, तो मीन आप यहाँ निकाल दीजिए ऊपर साइड में, यहाँ निकाल देते हैं, मीन का फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ए कितना है आपका जितना आपने लेट किया, एज्यूमिंग मीन 55, सिग्मा एफ डी माइनस के 270, सिग्मा एफ आपका 65, 55 प्लस माइनस माइनस हो गए
और 270 को आपने 65 से डिवाइड करेंगे आप, फोर पॉइंट वन फाइव, 50.85, ये आपका मीन आ गया। अब इससे आप डिवाइड कर देंगे, एच डी निकाला आपने कितना, 14.56, और मीन निकाला आपने ऊपर 50.85, जीरो पॉइंट टू एट सिक्स। इसको आप थ्री डिजिट में निकालेंगे, कभी भी आप निकालें कोफिशिएंट तो थ्री डिजिट में निकालें। इस तरीके से क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करें, मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट तरीका है क्वेश्चन को करने का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी। एंड साथ ही अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी क्वेरीज आपकी, कुछ भी आपको पूछना है, उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं एंड मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको ये सब जो ट्रिक्स बता रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ये आपको बहुत बेनिफिट देंगी। बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छी मार्किंग कर रहे हैं बीकॉम के अंदर, स्टैट्स में, अकाउंटिंग में, हर जगह। तो मैं जरूर कहूँगा कि आप फॉलो कीजिएगा और आप सपोर्ट कीजिएगा अपने भाई को। थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।